हाय गाइस, वेलकम टू RM360। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फिजिकल मेटलर्जी को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट जो फिजिकल मेटलर्जी का टॉपिक स्टार्ट किए थे वो आयरन कार्बन डायग्राम था। तो आज कुछ उसका ही आयरन कार्बन फेज डायग्राम का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, जिसको आज बताएंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि से अभी जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, तो इसमें आपको कंपटीशन का एग्ज़ाम के लिए आपको फुल डेडिकेशन होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे इजीली इतना इजी लोगे तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत लड़का पढ़ने वाला है। तो फुल डेडिकेशन, लगन, जीत पूरा लगा दो, एकदम लगा दो, इस तरह के से हमको जॉब लेना ही है। तो चलिए हम लोग फिजिकल मेटलर्जी का जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाने वाले हैं आज क्या, फिजिकल मेटलर्जी का जो आयरन कार्बन डायग्राम, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोइटेक्टोइड स्टील ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपरइटेक्टोइड स्टील स्टील एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इटेक्टोइड स्टील। इन तीनों चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें कुछ दो नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा क्या, प्रो इटेक्टोइड फेराइट और प्रो इटेक्टोइड सीमेंटाइट। ये कुछ दो वर्ड जो है अपरिचित जैसा लगेगा, कहीं भी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि प्रो इटेक्टोइड फेराइट क्या है, कहाँ पे पता नहीं चलता है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोइटेक्टोइड को स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए हमको आयरन कार्बन डायग्राम का कुछ थोड़ा सा पार्ट लेना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोइटेक्टोइड स्टील। तो ये रहा आयरन कार्बन डायग्राम का छोटा सा पार्ट। इधर हो गया वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, इधर टेम्परेचर, यहाँ पे कार्बन परसेंटेज जो रहता है वो 0.8%। ये मेरा A3 टेम्परेचर, इसको हम नाम कुछ नोटिस कर देते हैं। इसे एम पॉइंट लिख लेते हैं, इसे एन पॉइंट लिख देते हैं, इसे एस पॉइंट लिख देते हैं, इसे ये तीन नाम लिख देते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 723 डिग्री। तो इसको समझने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोइटेक्टोइड स्टील को समझने के लिए तीन स्टेज हम लोग लेते हैं। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे एक कंसिडर करते हैं, कार्बन पॉइंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0.4% या 5%, 0.4, 0.5, 0.6 कुछ भी ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पे एक हम लाइन खींचेंगे, ये रहा। यहाँ एक पॉइंट ए पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट पे बी पॉइंट और यहाँ पे सी पॉइंट।
ये मेरा सी पॉइंट। तीनों स्टेज में देखेंगे कैसे कैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में मेरा यहाँ क्या ऑस्टेनाइट को शो करता है, इस स्टेज में ए पॉइंट में क्या ऑस्टेनाइट को शो करता है, ये ऑस्टेनाइट। ये ऑस्टेनाइट है, ये ऑस्टेनाइट का ग्रेन बाउंड्री है, ऑस्टेनाइट का ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री। ये ऑस्टेनाइट हुआ, ऑस्टेनाइट, ये ऑस्टेनाइट हुआ। जब ऑस्टेनाइट को हम धीरे धीरे कूल करते हैं, कूल करते हैं, स्लोली कूलिंग करते हैं, तो क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे जैसे कूल होता है तो यहाँ पे एक ये फेज चेंज लाइन है, ये फेज चेंज लाइन है। जैसे ये बी पॉइंट में आता है तो बी पॉइंट में जैसे ही आता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ अल्फा फेराइट रहता है, यहाँ अल्फा फेराइट प्लस गामा फेराइट, ये फेज रहता है प्रेजेंट। जब यहाँ इस बी पॉइंट में पहुँचता है तब क्या होता है, मेरा यहाँ पे फेज, तब क्या फेज बनता है ना, अल्फा सीमेंटाइट तो यहाँ है, यहाँ गामा फेराइट है, गामा फेराइट है, वो गामा फेराइट यहाँ थोड़ा रहेगा ही, प्रेजेंट रहेगा इसमें, लेकिन क्या अल्फा फेराइट भी बन रहा है। तो बी पॉइंट में जब इस पॉइंट को फेज चेंज लाइन को जब टच कर रहा है, जब कूलिंग धीरे धीरे हो रहा है, तो बी पॉइंट में मेरा क्या होता है ना, ऑस्टेनाइट तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन ऑस्टेनाइट के ग्रेन बाउंड्री में अल्फा फेराइट फॉर्मेशन करना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट स्टार्ट ही होता है इस पॉइंट में, जस्ट अल्फा फेराइट, जिसे प्रो इटोक्टाइड फेराइट बोला जाता है। इसके ग्रेन बाउंड्री जो है ना, इसका ग्रेन बाउंड्री पे प्रो इटोक्टाइड फेराइट, इसी को बोला जाता है प्रो इटोक्टाइड फेराइट। और ये जो है ये ऑस्टेनाइट, ये ऑस्टेनाइट हुआ। तो जैसे जैसे ये देखिए, जैसे जैसे ये कूल और भी होते जाएगा, उसमें फेराइट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। अगर आप लीवर आर्म से देखेंगे तो यहाँ पे, अगर आप लीवर आर्म से देखोगे तो यहाँ पे लाइन खींचोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर इधर नीचे से खींचोगे तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये लाइन इंक्रीज हो रहा है, मतलब फेराइट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। फिर यहाँ खींचोगे तो यहाँ पे फेराइट का कंसंट्रेशन, यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट से इधर बढ़ रहा है, यहाँ कम था फिर थोड़ा बढ़ा, फिर इसी तरह फेराइट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है तब क्या होता है, ये कुछ ग्रेन बाउंड्री है, इसमें फेराइट कंसंट्रेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है ग्रेन बाउंड्री पे, इस तरह से फेराइट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब इस लाइन को टच करता है, ये इटोक्टोइड टेम्परेचर लाइन है, जब इस लाइन को टच करता है सी पॉइंट, तब ऑस्टेनाइट क्या होता है ना, टोटली डिकम्पोज हो जाता है, ऑस्टेनाइट टोटली डिकम्पोज इन फेराइट। तो ऑस्टेनाइट टोटली डिकम्पोज इन फेराइट, ये फेराइट का ग्रेन स्ट्रक्चर ये मेरा बना ऑस्टेनाइट टोटली। तो यहाँ पे होता क्या है, फेराइट तो बन गया, मेरा फेराइट बन गया, लेकिन फेराइट का कार्बन डिजॉल्विंग कैपेसिटी जो है मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कैपेसिटी 0.025%, लेकिन यहाँ पर मेरा कार्बन कितना माने हैं 0.4%, तो इसका कार्बन डिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.025% है। तो बाकी कार्बन क्या होगा ना, बाकी कार्बन जो है वो सीमेंटाइट का फॉर्मेशन करेगा, Fe3C सीमेंटाइट का फॉर्मेशन करेगा। जब सीमेंटाइट का फॉर्मेशन करेगा तो मेरा क्या बनेगा, बाकी जो कार्बन बचा हुआ है वो सीमेंटाइट का फॉर्मेशन करेगा, तो सीमेंटाइट और फेराइट मिलके मेरा क्या होगा, परलाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो वो परलाइट
ये मेरा परलाइट, ये मेरा परलाइट का फॉर्मेशन किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन परसेंटेज यहाँ टोटली परलाइट नहीं होगा, कार्बन परसेंटेज कुछ कम है। तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर होगा वो होगा फेराइट, फेराइट प्लस, फेराइट प्लस परलाइट, परलाइट। तो ये स्ट्रक्चर मेरा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में। मैं और एक बार इसको समझा देता हूँ। पहले मेरा इस स्टेज में ए पॉइंट में गामा फेराइट है, एस्टेनाइट है, जब स्लोली कूलिंग कर रहा है, जब स्लोली कूलिंग कर रहे हैं और बी पॉइंट में टच कर रहा है, यह फेज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है ए थ्री, या जब हीट करते हैं तो ए सी थ्री लाइन, और जब कूल करेंगे तो ए आर वन लाइन, ए सी वन लाइन, ए सी थ्री लाइन और ए आर थ्री लाइन। तो जब कूल करते हैं तो इस पॉइंट में जब आता है तो मेरा प्रोटोक्टाइट फेराइट का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोक्टाइट फेराइट फॉर्मेशन होता है। तो यही है जो प्रोटोक्टाइट फेराइट जो है वो मेरा यही है, अल्फा फेराइट जो यहाँ इस रीजन में देखिए, ये वाला रीजन में। और ये जो ऑस्टेनाइट तो मेरा यहाँ से है वो तो कुछ बचा हुआ ही रहेगा, देखो यहाँ पे ऑस्टेनाइट कुछ बचा हुआ है, लेकिन जैसे नीचे इस पॉइंट को टच कर रहा तो प्रोटोक्टाइट फेराइट का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे कूल होते जा रहा है, सी पॉइंट में जब आता है तो ऑस्टेनाइट क्या होता है, टोटली डिकम्पोज हो जाता है फेराइट में, फेराइट में वहाँ पे फेराइट में। लेकिन फेराइट का कार्बन डिजॉल्विंग कैपेसिटी मैक्सिमम 0.025%, मैक्सिमम 0.025% होने के कारण बाकी कार्बन क्या होगा ना, वो सीमेंटाइट का फॉर्मेशन करेगा, सीमेंटाइट फॉर्मेशन करेगा। तो फेराइट और सीमेंटाइट क्या हुआ, मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट इज कॉल्ड परलाइट, परलाइट। लेकिन परलाइट तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे परलाइट 100% परलाइट यहाँ फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे मेरा फेराइट का कंटेंट ज़्यादा है, तो मेरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फेराइट प्लस परलाइट, परलाइट बनेगा। तो ये हम लोग देख लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपो इटेक्टोइड स्टील। इसके बाद हम लोग चले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपर इटेक्टोइड स्टील। तो इसको मिटाते हैं, इसको तो टोटली मिटाना पड़ेगा क्या, चलते चलते फिर से देखते। देखो फिर से बनाते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपर इटेक्टोइड स्टील, हाइपर इटेक्टोइड, इटेक्टोइड स्टील, ठीक है। चलिए फटाक से बनाते हैं, ये कुछ रहा, ये कुछ रहा, ये 0.8% कार्बन, ये एस पॉइंट हुआ, ये एम पॉइंट हुआ, ये एन पॉइंट हुआ। इस लाइन को क्या बोलते हैं, जब हीट करोगे तो, हीट करोगे तो ये सी एम लाइन हीट के टाइम, लेकिन जब कूल करोगे तो, जब कूल करोगे तो ए आर एम, ए आर कूल के टाइम, कूलिंग के टाइम ये होता है। तो यहाँ पे हम कार्बन परसेंटेज अगर ले लेते हैं इधर 0.1, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1.2% कार्बन परसेंटेज, 1.2%, और इसको डॉटर लाइन बनाते हैं। ये देखिए 1.2% कार्बन, यहाँ पे ऑस्टेनाइट रहता है,
यहाँ पे ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट Fe3C, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट। तो ए पॉइंट में मेरा, ए पॉइंट में जो है वो क्या है, मेरा टोटली ऑस्टेनाइट है, टोटली ऑस्टेनाइट है, सेचुरेटेड ऑस्टेनाइट है एकदम, मतलब उसमें कार्बन अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुका है। ये ऑस्टेनाइट का ग्रेन बाउंड्री, ऑस्टेनाइट ग्रेन बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री, ये ऑस्टेनाइट, ये हुआ ऑस्टेनाइट ग्रेन बाउंड्री और ये ऑस्टेनाइट का ग्रेन, ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट ग्रेन। जब इसको स्लो कूलिंग किया जाता है, जब भी बी पॉइंट में आता है, बी पॉइंट में जब आता है तो ये इसको बोला ही जाता है कि SEM लाइन, जब हीट करोगे तो SEM लाइन, यानी हाइपर इटोक्टोइड स्टील में जो कार्बन रहता है उसका कम्प्लीटली डिजॉल्विंग होता है ना ऑस्टेनाइट में। लेकिन जो जब कूल करोगे तो क्या होता है ना, जो कार्बन रहता है, डिजॉल्व कार्बन रहता है ऑस्टेनाइट में, वो कार्बन प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट में मेरा जब पहुंचेगा तो क्या होगा, मेरा ऑस्टेनाइट, मेरा सीमेंटाइट का, मेरा सीमेंटाइट का प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ सीमेंटाइट चल रहा है, ये सीमेंटाइट ग्रेन बाउंड्री जो है ऑस्टेनाइट के ग्रेन बाउंड्री में प्रिसिपिटेट होना, ऑस्टेनाइट के ग्रेन बाउंड्री में सीमेंटाइट का प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा जब ARM3 लाइन को टच करेगा। इस तरह से सीमेंटाइट का ग्रेन बाउंड्री में प्रिसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा जब इस ARM लाइन को टच करेगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे कूल होते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन सीमेंटाइट का देखो बढ़ते जाएगा, एज लिमर यहाँ कम है, उसके बाद इधर बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ रहा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये सीमेंटाइट का प्रिसिपिटेशन हुआ, उसके बाद इस लाइन को जब टच करेगा, सी लाइन को जब टच करेगा, तो ऑस्टेनाइट टोटली डिकम्पोज होगा किसमें, सी पॉइंट में ऑस्टेनाइट टोटली डिकम्पोज होगा मेरा अल्फा फेराइट में। तो ये रहा अल्फा फेराइट, तो ऑस्टेनाइट मेरा टोटली डिकम्पोज हुआ अल्फा फेराइट में और बन क्या रहा, यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन हुआ वो सीमेंटाइट बना। तो अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट क्या बना मेरा, परलाइट। तो यहाँ पे अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट परलाइट मिला। ये परलाइट बना, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट मिलकर परलाइट मिला। लेकिन यहाँ पे जो सीमेंटाइट का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मेरे बनेगा, यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा ना, परलाइट प्लस सीमेंटाइट। देखो और एक बार मैं समझा देता हूँ, पहले ए पॉइंट में ऑस्टेनाइट है, उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे ये इस पॉइंट में ARM3 में कूल पॉइंट में पहुँचा तो मेरा क्या हुआ, ये तो मेरा है ही ऑस्टेनाइट का ग्रेन है ही, लेकिन ऑस्टेनाइट ग्रेन एंड प्रो इटेक्टोइड सीमेंटाइट का फॉर्मेशन होता है इस रीजन में। उसके बाद जब ये और धीरे धीरे कूल होता है तो जब सी पॉइंट को टच करता है, इटेक्टोइड टेम्परेचर जब बिलो होता है, तो ऑस्टेनाइट टोटली डिकम्पोज होता है फेराइट में, और फेराइट और सीमेंटाइट मिल के क्या बनता है,
फेराइट और सीमेंटाइट मिलकर परलाइट, मिक्सचर ऑफ परलाइट का यही है, मिक्सचर ऑफ परलाइट। तो मिक्सचर इधर परलाइट बना लेकिन कंसेंट्रेशन इधर फिर सीमेंटाइट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ओवरऑल जो स्ट्रक्चर इस रीजियन में बनता है वो बनता है परलाइट प्लस सीमेंटाइट का बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइपोइटोक्टाइड एंड हाइपरइटोक्टाइड स्टील। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि प्रोइटोक्टाइड आयरन फेराइट क्या है और प्रोइटोक्टाइड सीमेंटाइट क्या है, समझ में आ गया। तो चलिए एक नोट लिख लेते हैं। इसी तरह से अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इटोक्टाइड स्टील का देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इटोक्टाइड स्टील इसमें क्या होता है, एस पॉइंट है, 0.8% कार्बन है, 0.8% कार्बन है, इधर वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, इधर टेम्परेचर। तो यहाँ पे इटोक्टोइड स्टील में होता क्या है ना, यहाँ ऑस्टेनाइट है। तो इटोक्टोइड स्टील में उस तरह का कुछ कंडीशन होता नहीं है कि इसे जैसे कि प्रोइटोक्टोइड फेराइट बनेगा, प्रोइटोक्टोइड सीमेंटाइट बनेगा, तो ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे होता नहीं। ऑस्टेनाइट डायरेक्ट इटोक्टोइड पॉइंट में आता है, इटोक्टोइड टेम्परेचर में आता है और 100% परलाइट में ट्रांसफ़र हो जाता है, 100% परलाइट। तो यहाँ पे वैसा कुछ कंडीशन डेवलप होता नहीं, तो इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, आसानी है इसमें, वैसा कुछ प्रोइटोक्टोइड फेराइट या सीमेंटाइट का फॉर्मेशन का कोई दिक्कत है नहीं। यही इसमें समझना था कि जब ये इटोक्टोइड टेम्परेचर को टच करता है तो टोटली ऑस्टेनाइट जो है डिकम्पोज हो जाता है इनटू परलाइट, 100% परलाइट में, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इटोक्टोइड स्टील, हाइपोइटोक्टोइड स्टील एंड हाइपर इटोक्टोइड स्टील से जो क्वेश्चन हम लोग का ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो किस तरह का बन सकता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या द फॉर्मेशन ऑफ प्रोइटोक्टोइड फेराइट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन व्हिच स्टील फॉर्मेशन ऑफ प्रोइटोक्टोइड फेराइट फेराइट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन रहा है, इन व्हिच स्टील फॉर्मेशन ऑफ प्रोइटोक्टोइड फेराइट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन रहेगा आपका ये नंबर, हाइपोइटोक्टोइड स्टील एक नंबर ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा नंबर रहेगा हाइपर इटेक्टोइड स्टील। थर्ड नंबर में रहेगा क्या, इटेक्टोइड स्टील। फोर्थ में क्या रहेगा ना, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है कि इन व्हिच स्टील फॉर्मेशन ऑफ प्रोइटोक्टोइड सीमेंटाइट
सीमेंटाइट, पोरोइटोक्टाइट सीमेंटाइट, ये क्वेश्चन दूसरा बन सकता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को, इस जो वायरन कार्बन डायग्राम टॉपिक में ही था उसी का पार्ट है, तो इसको भी पढ़ लिया हम लोग, इसके बारे में समझ में आ गया। अब जो ये स्टील में देखे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इटोक्टाइड स्टील, स्टील हाइपर इटोक्टाइड एंड हाइपो इटोक्टाइड, तो ये चीज़ कास्ट आयरन में भी होता है, लेकिन कास्ट आयरन में पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग नोट में लिख लेते हैं। जो कास्ट आयरन में प्रो, उसमें जो मेरा हाइपो, नोट में लिख लो, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, नोट नंबर वन, नोट नंबर वन प्रो, प्रोइटेक्टिक ऑस्टेनाइट फॉर्म इन हाइपो इटेक्टिक कास्ट आयरन प्रोइटेक्टिक ऑस्टेनाइट फॉर्म इन हाइपोइटेक्टिक कास्ट आयरन। जो हाइपोइटेक्टिक कास्ट आयरन का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्रोइटेक्टिक ऑस्टेनाइट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड नोट है प्रोइटेक्टिक सीमेंटाइट फॉर्म इन हाइपर इटेक्टिक कास्ट आयरन। ये दो नोट कास्ट आयरन के बारे में जान लेना जरूरी है। तीसरा और एक नोट हम बता देना चाहते हैं, जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम का है, जो हम लोग का परलाइट फॉर्मेशन होता है ना, तो उसका एक कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है ना, इफ कार्बन कंटेंट इन स्टील इफ लेस देन 0.025%, देन डज नॉट फॉर्म परलाइट। ये हम लोग तीन नोट याद रखना है, बाकी जो उधर का हम बता दिए क्या क्वेश्चन आने वाला उस टॉपिक से। तो यहाँ पे इस वीडियो को विलंब और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा आपको, देख के आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा या फिर इसमें कुछ और सुधार चाहिए, इसके कंटेंट में और कुछ सुधार चाहिए, या फिर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इस पॉइंट पे हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर वहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, दबा के शेयर करना पड़ेगा, और घंटा को दबा ले लेना, नहीं तो घंटा को नहीं दबाओगे तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिल पाएगा। इसलिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।